के द चैनल कैसे आप लोग उत्तर बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे टू है लॉकडाउन का और बोरियत, जैसे कि डे वन बोरियत का निकला, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन आज भी सुबह से बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था, सुबह थोड़ा लेट उठी हूँ, इसमें बहुत आलसी हुई हूँ लॉकडाउन में, तो बस लेट काम चल रहा है। अभी बच चुका है 12:30, अबव हो चुका है, लेकिन मेरा खाना अभी तक नहीं बना है। दाल चावल हो चुका है, सब्जी बिठाई हूँ, पापड़ हो गया, सिंपल सा लंच बनाई हूँ और टमाटर को भून रही हूँ। तो ऐसे दिख रहा है किचन का तो हेयर स्टाइल ऐसा ही होता है, किचन का थोड़ा सा भी, किचन का चोटी अगर छोड़ो, एक आधा चोटी अगर खाने में निकल गए तो गया सत्यानाश हो गया, इसलिए चोटी ऐसा ही हेयर स्टाइल रहता है। तो बस यही है कि अभी खाना बन रहा है, दाल चावल हो चुका है, बने का खाना, और शाम को हम कोई आने वाले हैं गेस्ट खाने के लिए, तो शाम का मेन्यू थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन कौन आने वाले हैं, इस कोविड के टाइम में क्या होने वाला है, घर पे किसे हम बुलाए हैं, आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। अभी तो सिंपल सा लंच है। होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज हाथ को करते रहिए और बस स्वस्थ रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को जितना हो सके बचा के रखिए इस राक्षस वायरस से। तो बस चलिए ब्लॉग कैसा कुछ होता है, आज का दिन भर में क्या कुछ होता है देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। मिलते हूँ आपको थोड़ी देर बाद। मेरे कुरकुरी को अपने कुरकुरी ये लोग सुबह ही खा लिए और मेरे कुरकुरी को चुरा के दोनों घर से खा रहे। अगर मैं सो जाती तो मुझे नहीं मिलती यार, छुट्टी मारो भाई, टाइम पास नहीं हो रहा है तो कुरकुरी खा के टाइम पास कर लो। तो अपने अपने खाओ ना, अपना तो खा लिया, अपना तो खा लिया, अभी खा लिया, मेरे खा हो गया, मैं ला लूंगा, जो घर में है वो अपना ही है। मैं वैसे तो मैं खा लेती सुबह पे, ये सही नहीं है, ये सही है, ये देखो घर पे चावल दाल बनता है तो क्या वो अपना नहीं होता है, वो अपना नहीं कहते हैं, ये तो पूरा नहीं गला, वो तो लुचे के काम है, सार पोचा नहीं ना करें क्या, अरे क्यों दे रहा है, दे रहा हूँ क्या, हमारा घर में खाने का कमी है क्या, खा लो मजे लगे थे कि दो केला मोर कुरकुरी मजे के कि दो जी कौन सा राक्षस, अरे घर में
यहाँ पे बैठी है। तो आज का हमारा जो गेस्ट है, मैं बताई थी गेस्ट नहीं हमारे घर के ही हैं, तो आज हम लोग साथ ही खाना खाने वाले हैं, इसीलिए बस। तो रात की दावत के लिए बनाए जा रहे हैं, ये देखो मूसा क्या खा रहा है। तो रात की दावत के लिए किचन में बनाए जा रहे हैं, हस्बैंड है किचन में और मैं आ चुकी हूँ किचन में। लाइट थोड़ा ऑन कर देते हैं, डबल लाइट। मैं खा रहा हूँ चिकन, खाती हूँ मैं चिकन, नहीं खाती हूँ तो बस करते रहते हैं बस। ये देखिए रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए देखिए लॉकडाउन हो रहा है ये लोग के लिए, हम लोग घर पे हैं इसीलिए किचन में जाओ। मैं बोली आप किचन में जाओ, मैं बोली, मैं कुछ नहीं बोलती यार, खुद ही बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं और किचन में चले आते हैं खुद ही बनाने के लिए। सुबह से मुझे बोल रखे थे कि बनाना है, क्या बना रहे हो? छोले पनीर जो बर्थडे में बना था वैसे ही छोले पनीर बनाना है, जैसे कि भैया दीदी भैया उन लोग को बुलाए हैं खाने पे, तो साथ में खाएंगे क्योंकि कल उनका गृह प्रवेश है, मतलब कल ऑफिशियली वो आ जाएंगे घर पे। तो इसीलिए रात आज की रात का खाना उनके यहाँ खाना नहीं बन रहा है, दो दिन से पूरा शिफ्ट हो चुके हैं, उनके मायके से खाना आ रहा है, तो बस इसीलिए बोले कि चलो आज साथ में खाते हैं, कल आप नए घर में आप अपना खाना बनाना। तो बस इसीलिए अपने ही है, कोई बाहर का लोग नहीं है, इसीलिए बस हम एक ही फैमिली जैसे ही रहते हैं, तो इसीलिए हम एंजॉय करेंगे। तो खुद ही बोले कि मैं बनाऊंगा, तुम नहीं बनाओगे मैं बनाऊंगा। देखिए हमारा भुवनेश्वर में एक सीपी थे, कमिश्नर पुलिस, तो वो मतलब 6 महीने पहले का बात है, वो बोले थे कि जब आप घर पे रहते, 6 महीने नहीं 1 साल का पहले जब पहला मतलब लॉकडाउन हुआ था, नवीन जी भी बोले थे यार, नहीं नवीन जी नहीं बोले थे, सीपी ही बोले थे। अच्छा। कि घर पे आप रहते हैं तो बीबी को परेशानी मत कीजिए, तो बीबी को थोड़ा किचन में हेल्प कीजिए, तो जैसे अपना सीपी बोल दिए तो उनका बात रखने के लिए मैं थोड़ा किचन में आ गया। बेवकूफ बना रहे हो, जहाँ भी देखो जिस भी ब्लॉग में आप देखोगे ये खाना बनाते हुए मिलेंगे, जहाँ भी जाए हमारे घर जाए इनके घर जाए कहीं भी जाए खाना बनाते हुए मिलेंगे। तो आप लोग भी बोले मैं मास्टर से हूँ क्या? हाँ आपको अच्छा लगता है इसलिए बनाते हो, मैं थोड़ी ना बोलती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बना पाती हूँ क्या? और मैं बनाऊंगी पराठा या रोटी, रोटी या पराठा कुछ भी बनेगा, कुछ भी बना दो, और सिर्फ ये सब्जी तो हम लोग खा लेंगे। और कल है घर पूजा, उनका घर क्या पूजा है, तो मास्टर सब बन जाएंगे नोना कल नोना क्या पूजा क्या बनाएंगे? हाँ भाई हमारे तो मास्टर सब बन जाएंगे कल, पूजक पुरोहित नोना जिसे आप जो भी बोल सकते हैं, तो कल घर पूजा है, कल सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा, गेटअप चेंज हो जाएगा, गेटअप चेंज हो जाएगा मास्टर सेफ से नोना। कितने रूम देखने को मिलेंगे है इतने को, मतलब मस्त हस्बैंड मेरे ना, कितने रूम देखिए चना का झाड़ में चढ़ा रहा है, चने के झाड़ में पति को नहीं चढ़ाओगे तो काम कैसे असूल करोगे? क्या करे सब नसीब है, नसीब मतलब आपको अच्छी बीवी नहीं मिली, इसीलिए तो बोल रहा हूँ सब नसीब है, इतना अच्छा बीवी कहाँ मिलेगा भाई, नाइट में आप लोग ट्रॉस मार के भी ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो छोले पनीर रेडी हो चुका है, अभी मैं बनाऊंगी रोटी, आटा लगाऊंगी, कुछ बर्तन क्योंकि हस्बैंड आते हैं ना तो बहुत ही गंदगी करके चले जाते हैं किचन को, तो थोड़ा सा किचन साफ कर देते हैं और आटा लगा लेते हैं रोटी के लिए। तो बाकी